दिनी जासालो बिलुनिया डीएम खबनक निबखाखते थैरमानि सिखाथाय ख्लाइजाखा अ थैरमानि सिखाथाय पानो फायमानजों फायखा डीएम साजु वाहिद फायमानजों फायमा सिमिया बबाय थां थैरिखा दे डीएम साजु वाहिद बबाय थां थैरमानि लगि लगि जतो लुकुरक न कबखा थैरि थानिव सिगाङै फायनानि बागै रक्तदान शिविर छाड़ाओ गत बचर एन पर्त रिक्रिएशन क्लाब प्रचुर काज नहीं सामाजिक भाव सबग एकदम भलो हम अर्फनेजर जन कि क्या करपर हम इखने एस एच जी जन एक इनिशिएटिव नहीं गत बचरों एक डोनेशन कैम्प होफिस रिक्रिएशन क्लाब थे मैं मेरा अंदर से सबको धन्यवाद जानता हूँ। और इसके अलावा आपने अभी जो आपका सेक्रेटरी साहब ने भी बोला यहाँ का पब्लिक जो आता है इन लोगों को तो सहज सुविधा करना ये बहुत ही बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा कि बहुत दिन के बाद मेरे स्टाफ सबको एक साथ मिलने का मौका मिला है। इतना स्टाफ मेरा ऑफिस में काम कर रहा हूँ वो बहुत ही बड़ी संतोष का खुशी का बात है। और इसके अलावा आपने जो भी सामाजिक इनिशिएटिव वगैरह लेता हूँ इसके साथ साथ हम सारे एक परिवार हैं। ये परिवार में कभी कभी खुशी का बात होगा काम के साथ साथ कुछ कुछ खुशी का कुछ इनिशिएटिव भी लेना है कुछ एंटरटेनमेंट कुछ ले लीजिएगा। हमारे ऑफिस में कभी पिकनिक नहीं हुआ है मेरा ज्वाइनिंग का बात अभी तो 2 साल हुआ कभी पिकनिक नहीं हुआ है कोई खेल कूल कुछ नहीं हुआ ऐसा भी कुछ आप अरेंज कीजिएगा तो सारे एक साथ इकट्ठा होगा इकट्ठा कुछ काम करेंगे इकट्ठा कुछ खेलेंगे कुछ बात करेंगे तब जाके परिवार का वो आ जाएंगे नहीं तो डेली आएगा ऑफिस में आकर काम करके चले जाएंगे वो कमरे के अंदर ही रह जाएगा हमारा जो रिलेशनशिप वो कमरे के बाहर भी आ जाए तो छोटा मोटा वैसे भी प्रोग्राम आप प्लान कीजिएगा मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा कोऑर्डिनेशन रहेगा हम आगे लेके जाएंगे। अभी तो ये इसका सीजन नहीं है फिर भी मेरा एक अनुरोध है कि आप ऐसा कुछ प्रोग्राम भी प्लान कीजिएगा अच्छा लगेगा तो ये बोलकर मेरा आपने सबसे आलोचना करना शेष को समय का नमस्कार धन्यवाद। আজকে আমাদের ডিএম সাহেবের অত বিচ্ছেদ দেখলাম এখানে আসলে রক্তদান জীবনদান আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে আহ্বান করেছেন সারা রাজ্যে রক্তের সংকট ছিল এখন সব জায়গাতে রক্ত দেওয়া হচ্ছে। আজকে আমাদের এখানেও ডিএম সাহেব সহ ডিএম কৃষি যারা রক্ত দিচ্ছেন আসলে এই রক্তদান যে ব্যক্তি যারা নিঃস্বার্থভাবে রক্ত দিচ্ছেন দেখে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি নিজেও এলাম আজকে দেখলাম যে সুন্দরভাবে রক্তদান সুবিধা আয়োজন করা হয়েছে যারা এখানে যেসব সাংবাদিক ভাইয়েরা আছেন এবং যারা রক্ত দিচ্ছেন এই আয়োজনকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিন যাতে সবাই এগিয়ে আসে এই রক্তদান শিবিরে অন্যান্য যারা যাতে হয়।